हेलो नमस्कार, मैं नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह चौहान जी पर निशाना साधा और कमलनाथ जी ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया और वेतन वृद्धि की मांग की है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों का बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है, जिससे अतिथि शिक्षकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका वेतन वृद्धि किया जाए, उनकी नियमितीकरण किया जाए। पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंपलेट पान के पूरा वीडियो जरूर देखें। आज आवाज़ बंद करना चाहते हैं। विधानसभा है किस लिए? विधानसभा है कि विपक्ष की बात अपनी बात रखें, आप शांति से सुने और आप जवाब दें। आज भ्रष्टाचार की जैसी बात उठाई, ये खुलासा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है। और यही बात कही गई थी कि इनके पार्टी का जो चाय और खाना का बिल भी है वो भी गवर्नमेंट देती है। 4 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज लिया है। ये कर्ज किसके लिए है? हमारे अतिथि शिक्षकों को भर्ती करते, हमारे संविदा के जो लोग हैं उनको भर्ती करते, पर ये बड़े बड़े ठेके देने के लिए ये कर्ज लिया गया है। अगर हिसाब लगाएं पिछले 8-10 महीनों में कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं। ठेके दो सिंचाई विभाग में, PW विभाग में, बड़े बड़े विभागों में, उसका एडवांस दो और अपनी कमीशन वसूल करो।